भवद्भ्यो सर्वेभ्यो सादरं नमो नमः। अहमस्मि आचार्य कीर्ति वल्लभ मेंदुलिया। आप सबको स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर वेदांग भक्ति रसायनम में। एक नए विषय के साथ पितृपक्ष का आरंभ हो गया है। हमारे यहाँ सौर मास, चांद्रमास, नक्षत्र मास, अर्थात किस महीने में कौन सा कर्म करना चाहिए, पितरों के लिए चांद्रमास को ग्रहण करना चाहिए, और विशेष रूप से जो ये अश्विन कृष्ण पक्ष का समय होता है इसको हम महालय श्राद्ध के रूप में जानते हैं। मित्रों, सभी लोग श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के द्वारा ये शरीर हमें प्राप्त होता है। शुक्र और सोनित मिलकर के गर्भ में बीज का निर्माण करते हैं, जीव की उत्पत्ति होती है, और जीव अपने प्रारब्ध से अपने संस्कारों से दुख सुख भोगता है, और इस देह की यात्रा पूर्ण करने के बाद पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। जो भी हम और दैहिक क्रियाएं करते हैं, सपिंडन श्राद्ध अथवा पूर्व में दशगात से लेकर 13वीं तक, तो उस जीव का, इनके शरीर का एक नवनिर्माण होता है, रूपांतरण होता है, एक नया शरीर प्राप्त होता है। जो हम कर्म करते हैं, तिलांजलि आदि देते हैं, सपिंडन श्राद्ध करते हैं, और वर्ष भर में वार्षिक श्राद्ध देने एक उदिष्ट पिंड जो होता है उसमें एक पिंड हम करते हैं, इसके बाद पारण श्राद्ध की विधि है। मित्रों, पितरों के निमित्त विधि पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसको हम श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितरन उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम्। श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति है कि श्रद्धार्थ इदम श्राद्धम्, श्रद्धया कृतम संपादित इदम्, श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम्। श्रद्धापूर्वक जो दिया जाता है उसको हम श्राद्ध कहते हैं, और श्राद्ध करने का अधिकारी मुख्यतः ज्येष्ठ पुत्र है। बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई श्राद्ध करे। यदि सब अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग भी हम तर्पण कर सकते हैं, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा से ही छोटे भाई को श्राद्ध करने का विधान दिया गया है। मित्रों, मनुष्य के लिए यानी पुत्र के लिए एक बात आती है, पुन्नाम नरकात्रायते इति पुत्रः। जो पुन्न नाम का नरक है, हमारे 28 नरकों की संज्ञा श्रीमद् भागवत में दी गई है, तो इस पुन्न नाम के नरक से जो अपने पितरों का तारण कर दे उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए पुत्र का सार्थकत्व तब सिद्ध होता है जब वह श्राद्ध आदि कर्म करता है। श्राद्ध करने से आयु, प्रजाम, धनम, विद्या, स्वर्गम, मोक्षम च सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरा श्राद्ध श्राद्ध तर्पिता। ऐसा मार्कंडेय पुराण में आया है कि पितरों का श्राद्ध करने से आयु की वृद्धि होती है, प्रजा की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और पितर लोग कृपा करते हैं, इसलिए श्राद्ध में तर्पण का विधान है। त्याग करना, जो पितरों के आशीर्वाद से शरीर प्राप्त हुआ है, हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है, उनके लिए तिलांजलि देना, वो तो कर्म पूर्व का है, दशगात्र का, लेकिन इसको हम तर्पण कहते हैं। तो तर्पण में त्याग किया जाता है। तर्पण की सामग्री में हम मुख्यतः तर्पण करते हैं, चांदी का पात्र हो, तांबे का पात्र बड़ा शुभ है, कांसे का पात्र हो, और अपने पुरोहित गुरु की आज्ञा से दर्व का प्रयोग इसमें कुशा के रूप में, कुशा हम लेते हैं, जौ है, काले तिल हैं, तुलसी है, गोपी चंदन है, श्वेत चंदन का प्रयोग होता है, घृत का दीपक जलाएं, और आसन कुशा का हो, कंबल का हो, थोड़ा शुभ है। इस विधि के साथ हम भूमि अधिष्ठात्र देवता को प्रणाम करते हैं, दीर्घक्षण पूर्वक जो है श्राद्ध का आरंभ किया जाता है। श्राद्धम न कुरुते, जो श्राद्ध नहीं करता उससे क्या हानि होती है, श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबंतते, देवी पुराण का वाक्य है, ब्रह्म पुराण का वाक्य है। जो श्राद्ध नहीं करते हैं पितर उनका रक्त पूछते हैं, इसलिए पितर उनको श्राप देते हैं, और उस परिवार में, पूरे परिवार में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। मरने के बाद कई लोग अकाल मृत्यु का के कारण से एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, किसी ने विष खा लिया या किसी ने किसी को मार दिया। तो ये जो सब कर्म है जो जीव के साथ हो गए हैं,
दुष्प्रारब्धवश, उन सब के लिए नारायण बलि का विधान है। इसलिए चतुर्दशी के दिन जो श्राद्ध किया जाता है, चतुर्दशी तिथि अमावस्या से पूर्व दिन आती है, अकाल मृत्यु में जो लोग मर जाते हैं उस दिन श्राद्ध करना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा श्राद्ध के हमारे यहाँ भेद बताए गए हैं, नित्य नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिकम काम्यम त्रिविध श्राद्ध उच्चते, त्रिविधम श्राद्ध उच्चते, नित्य नैमित्तिक काम्य, और जो हम पितरों के लिए नित्य प्रति संध्या वंदन करते हैं, इसमें नित्य नैमित्तिक काम्य वृद्धि और पार्वण श्राद्ध का विधान दिया गया है। प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को नित्य श्राद्ध कहते हैं, इसमें विश्वेदेव नहीं होते हैं, और इसमें जल प्रदान किया जाता है कुशा की पवित्री धारण करने के बाद, इससे श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। तथा एकोदिष्ट, जो एकोदिष्ट श्राद्ध है, नैमित्तिक श्राद्ध इसको हम कहते हैं, एक पिंड इसमें होता है, इसमें भी विश्वेदेव नहीं होते हैं। कामना की तृप्ति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं, और वृद्धि काल में पुत्र का जन्म हो गया, विवाह संस्कार हुआ, कोई भी यज्ञादि कर्म हम करते हैं तो वहाँ हम श्राद्ध करते हैं वृद्धि श्राद्ध, जिसको हम नांदी श्राद्ध कहते हैं, आभ्युदायिक नांदी श्राद्ध, तो इसमें तर्पण नहीं होता है। इस प्रकार से ये श्राद्ध की विधि है और इस श्राद्ध के भेद हैं। मित्रों, कई लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं हरिद्वार में, बद्रीनाथ में इसका विशेष महत्व है, गया में जाकर के श्राद्ध करते हैं, इसकी भी अपनी विधि है, इसका शास्त्र प्रमाण दिया गया है, पिंड का प्रमाण दिया गया है। पिंड के लिए आपको तिल चाहिए, जो आटे का, चावल के आटे का ही लोग उपयोग करते हैं, इसमें दूध है, दही है, मधु है, इसके साथ साथ में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, और धूप दीप जो है, ये पिंड के आठ भाग हैं, अष्टांगो पिंड उच्चते। पिंड का निर्माण करने के बाद हम मुख्यतः इन श्राद्धों में छह पिंडों का निर्माण करते हैं, ये बताया गया है। और पिंड भी जब हम करते हैं, जिन्होंने पिंड दान कर दिया है, अर्थात हरिद्वार में कर दिए हैं, बद्रीनाथ में पिंड दान श्राद्ध कर दिया, ब्रह्म कपाल में, तो उनको फिर पिंड करने की आवश्यकता घर में नहीं रह जाती है, केवल वो तर्पण ही करें। श्राद्ध में जो ग्राह्य पुष्प हैं, उन ग्राह्य पुष्पों में विशेष रूप से श्वेत पुष्प का प्रयोग किया जाता है, श्वेत चंदन का प्रयोग किया जाता है, और आंवले, आंवले के पत्र हों बहुत शुभ हैं, अनार के पत्ते का प्रयोग किया जाता है, पलाश ढाक के पत्ते हो, महुआ के पत्ते हो, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के लिए ब्राह्मी यानी कि भृंगराज का जो पत्ता है, तुलसी के पत्ते हैं, ये प्रयोग में लिए जाते हैं। मित्रों, श्राद्ध का जो समय होता है वो मध्यान्ह बेला लगभग 11:36 से और 12:44 तक कुतब बेला होती है, इसमें श्राद्ध करना, तर्पण करना बड़ा शुभ माना जाता है। ब्राह्मण को बुलाएं, ब्राह्मण को भोजन आदि देते हैं, वस्त्र आदि निवेदित करते हैं, तो इस प्रकार से श्राद्ध की विधि सब संपादित होती है। इस प्रकार से ये पूरा क्रम आपके सामने मैंने उपस्थित किया। वेदांग भक्ति रसायनम के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और उसको शेयर भी करिए। किसी नई चर्चा के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। नमो नमः।